धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और कीड़ों मकोड़ों को तो हम देखते ही हैं। ये दिखने में जैसे अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही इनका लाइफ साइकिल भी अलग अलग रहता है। ये इंसान के लिए थोड़े लाभदायक भी है और थोड़े हानिकारक भी है। इन्हीं जीवों में से आज हम बात करेंगे मधुमक्खियों के कुछ ऐसी दिलचस्प बातें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे मक्खियों के बारे में। इनके छत्ते में तीन प्रकार की मक्खियाँ होते हैं। पहले हम जानेंगे मादा मक्खी के बारे में। ये 20 से 60 हज़ार रहते हैं छत्ते में, और यही मक्खी है जो शहद इकट्ठा करती है। इसकी और एक खासियत यह है कि सिर्फ और सिर्फ मादा मक्खी ही डंक मारती है। ये तभी डंक मारती है जब भी इसकी आवश्यकता बहुत हो, क्योंकि एक बार डंक मारने के बाद मर जाती है। दूसरा है नर मधुमक्खी। ये गिने चुने रहते हैं छत्ते में। इनका काम ये रहता है कि छत्ते की देखभाल करे। तीसरा है रानी मधुमक्खी। जैसे जंगल में एक ही राजा रहता है ना, वैसे ही इनके छत्ते में भी एक ही रानी रहती है, और रानी ही अंडा देती है। ये एक दिन में 2000 से 3000 अंडे देती है। और मधुमक्खियों के जीवन में भी चार प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अंडा। जब रानी मधुमक्खी अंडा देती है ना, ये अंडा देने के 3 दिन बाद इससे लार्वा निकलता है। इसके 6 दिन बाद इसे प्यूप होता है, और 16 या 24 दिन के बाद ये मक्खी बनती है। और मधुमक्खियों का छत्ता ना इनके पेट के ग्रंथियों से निकलने वाले मोम से बना होता है। गर्मियों के दिनों में छत्ता ना पिघले, इस कारण से ये मक्खियाँ अपना पंख पड़पड़ा के छत्ते को हवा करती है। पेट से याद आया, मधुमक्खियों के तो दो पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और एक शहद इकट्ठा करने के लिए। और इनके और एक दिलचस्प बात बताने जा रही हूँ, ये सुनकर तो आप हैरान हो जाओगे। वो ये है कि मधुमक्खियों के 5 आँख होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इनके 5 आँख होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये 5 आँख होते कहाँ हैं, हमें तो 2 बड़े नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं 2 बड़े आँख के बीच और माथे के ऊपर 3 आँख होते हैं। और ये मधुमक्खियाँ 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ सकती हैं। ये जानकर तो आप हैरान हो जाओगे कि 1 किलो शहद बनाने के लिए 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है इन मधुमक्खियों को। इसीलिए तो इनको मेहनती जीव भी कहा जाता है। एक मक्खी अपने पूरे जिंदगी में 1 चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। शहद की खासियत यही है कि ये हजारों साल तक खराब नहीं होता। तो दोस्तों, यही थी छोटी सी जानकारी मधुमक्खियों के बारे में। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।